बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों। यूनिवर्सल टेस्ट मास्टर चैनल की जानिब से मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, एक सिलसिला शुरू किया था जनरल साइंस के हवाले से और ये क्लास फिफ्थ यानी ग्रेड फाइव का बुक है, उसको हमने शुरू किया है। तकरीबन 6 यूनिट्स इसके अपलोड कर चुका हूं मैं। अभी आपके लिए यूनिट नंबर 7 हाजिर है, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के हवाले से। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको भी हम सारा का सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी तक आपने यूनिवर्सल टेस्ट मास्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर करें, अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट्स लाजमी किया करें। चलते हैं यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के हवाले से, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स है उसको पहले डिस्कस करेंगे, इसके बाद इसके एमसीक्यूज को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर की जानिब। इसमें हमारे पास ये आप देख लीजिए, हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, सही है। अच्छा, एक हमारे पास टर्म हम यूज करते हैं स्टैटिक, एक हम टर्म यूज करते हैं डायनेमिक। तो स्टैटिक जो है वो रेस्ट को कहते हैं और डायनेमिक मोशन को कहते हैं। तो एक हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, एक हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आएगी और दूसरा हमारे पास डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी आएगी। तो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी हम आगे इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास हम घरों में जो इस्तेमाल करते हैं जो बिजली, ये हमारे पास डायनेमिकली इलेक्ट्रिसिटी है। और अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे पास जब चार्ज रेस्ट में हो, जब चार्ज किस पोजीशन में हो, हमारे पास रेस्ट में हो। आप सोच रहे होंगे कि कैसे चार्ज हमारे पास रेस्ट में होता है। हम तो जानते हैं कि चार्ज जो है ये हमारे पास प्रॉपर्टी है मैटर की, सही है। हर एक बॉडी है, हर एक हमारे पास जो चीज, हर एक मैटर जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। क्योंकि मैटर जो है वो एटम के टिनी पार्टिकल से, जो एटम हमारे पास एक टिनी पार्टिकल है उससे बना है, और एटम में हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सिंपली हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये चार्जेस इसमें हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन जो है हमारे पास न्यूट्रल है। तो हर एक चीज, चाहे वो इंसुलेटर है या चाहे वो कंडक्टर है, वो हमारे पास उसमें चार्ज होता है। अब इंसुलेटर ऐसे मटीरियल जो, ऐसे भी मटेरियल है हमारे पास जो कि कंडक्ट करते हैं, लेकिन उसमें भी हमारे पास कुछ टाइम के लिए हम चार्ज ला सकते हैं। तो ऐसे चार्ज को हम क्या कहेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक चार्ज उसको हम कहेंगे। यहां पर अगर आप देख लें, ये हमारे पास एक बच्ची है, इसके बालों को अगर आप देख लें ये कड़े हो गए हैं, तो इस पर हमारे पास एक ही जैसा चार्ज आया है, या तो इस पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आया है या इस पर हमारे पास रबिंग की वजह से पॉजिटिव चार्ज आया है। तो इसलिए ये कड़े हो गए क्योंकि ये एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, ये एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो ये एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं पैर, सही। तो इस पर हमारे पास नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आया है इन इसके बालों पर, तो ये एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, तो ये कड़े हो गए हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, स्टैटिक चार्ज कहलाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। यहां पर एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी से आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम किसे कहते हैं। यानी हम इसको आपने अपने निचले जो क्लासेस में हैं, बचपन में आपने ये एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, सही है। हम बेसिकली जब हम किसी को स्टैटिक चार्ज के हवाले से जब हम समझाते हैं तो यही एक्सपेरिमेंट हम दोहराते हैं। यहां पर अगर आप देख लें, आप एक कंघी ले लें और उसको, जो आपके बाल जो हो वो गीले ना हो, बिल्कुल खुश्क बाल हो, उस पर आपने तेल ना लगाया हो, खुश्क बालों पर आप उस कंघी को रग लें। अब इस कंघी पर एक चार्ज आ चुका होगा। अब छोटे से छोटे पार्टिकल ले लें पेपर के, उसके जब आप इसको करीब लाएंगे तो ये पेपर के जो टुकड़े हैं इस कंघी की जानिब अट्रैक्ट होंगे, ये इस कंघी की जानिब बढ़ेंगे, जैसे कि आपको यहां पर इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो इस कंघी पर रबिंग की वजह से हमारे पास एक चार्ज आ गया, या ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा या ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, लेकिन बेसिकली इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। बेसिकली इस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। इस चार्ज की वजह से हमारे पास ये पेपर जो है ये इंसुलेटर है,
पेपर क्या हमारे पास इंसुलेटर है, लेकिन इसमें भी हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें भी चार्जेस मौजूद है, तो इसमें जो प्लस माइनस चार्ज होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं डायपोल की शक्ल में। सही है, आप कहेंगे कि सर डायपोल किसे कहते हैं, डायपोल हमारे पास फॉर एग्जांपल ये फॉर एग्जांपल माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है हमारे पास, ये कौन सा चार्ज है हमारे पास, ये प्लस चार्ज है। इस ये अगर स्मॉल डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, डायपोल कहेंगे। तो इस पेपर के टुकड़ों में क्या हो जाता है, इसके एक साइड पर प्लस चार्ज आ जाता है और दूसरी साइड पर माइनस चार्ज आ जाता है, यानी ये इस पेपर के टुकड़े पर हमारे पास डायपोल की शक्ल का चार्जेस जो है डायपोल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसलिए ये नेगेटिव जो हमारे पास कंघी पर जो नेगेटिव चार्ज आया है इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्शन पैदा करेगा, इसकी जानिब ये बढ़ेंगे और इस कंघी के साथ ये चिपकते जाएंगे। ये लेकिन ये एक टाइम के कुछ कलील हिस्से के लिए होते हैं, टाइम के कुछ हिस्से के लिए ये होते हैं, इस पर ये स्टैटिक चार्ज जो है टाइम के कुछ हिस्से के लिए आता है, इसके बाद ये इस कंघी से हट जाते हैं ये पेपर के टुकड़े। तो हमारे पास इसको हम क्या कहेंगे, इस पर जो चार्ज आए ये स्टैटिक चार्ज आएगा, तो इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। तो चार्ज जो है, चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये भी आपने याद रखना है कि चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। आगे चलते हैं कि कौन सा टॉपिक है इसमें, जो टॉपिक है हमारे पास वो है टाइप ऑफ चार्ज के हवाले से। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास मैटर जो है वो जो टीनी पार्टिकल है एटम उससे बना है, तो एटम में हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटम में हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बेसिकली टाइप ऑफ चार्जेस जो है हमारे पास दो हैं। यहां पर एक एक्टिविटी है, इसको मैं आपको सीधा सीधा से जो निकात है इसको मैं आपको समझाता हूं। ये एक हमारे पास गुब्बारा है, गुब्बारे के नजदीक ये एक वुलन क्लॉथ है, ऊनी कपड़ा है, जब इसके नजदीक इसको लाया जाता है तो ये इसके साथ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं करता। जब हम इस ऊनी क्लोथ को इस गुब्बारे के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं, तो फिर रबिंग की वजह से इस गुब्बारे पर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। तो फिर क्या, जब हम इस कपड़े को इस गुब्बारे के नजदीक लाएंगे तो इसके दरमियान हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा और ये गुब्बारा जो है ये हमारे पास इस ऊनी कपड़े के साथ चिपकेगा। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे पास चार्ज, टाइप ऑफ चार्जेस जो है वो दो किस्म के हैं, एक को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, दूसरे को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव चार्ज कहेंगे। एक को पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, दूसरे को हम नेगेटिव चार्ज कहेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास डू यू नो, इसको जब रीड करते हैं इस ताकि आपको समझ आ जाए कि आप जानते हैं कि द क्लाउड्स आर चार्ज ड्यू टू रबिंग विद एयर, वन एंड ऑफ द क्लाउड बिकम पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव, अ स्पार्क इज प्रोड्यूस व्हेन क्लाउड हैविंग अपोजिट चार्जेस कम नियर ईच अदर, वी कॉल इट लाइटनिंग, दिस इज अ काइंड ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सही है, आपने देखा होगा सर्दियों में या बारिश जब शुरू होती है इससे पहले, यानी आपने देखा होगा कि एक साउंड भी प्रोड्यूस होता है इसकी वजह से और लाइटनिंग भी प्रोड्यूस होती है। ये लाइटनिंग जो है ये हमारे पास स्टैटिक चार्जेस की वजह से होती है, यानी क्लाउड्स जो हैं, जो हमारे पास जो बादल हैं इस पर जो एयर पार्टिकल्स जो होते हैं इसके रबिंग की वजह से इस पर कुछ पार्टिकल्स पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कुछ पार्टिकल पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता है। जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा तादाद में होते हैं, जितने ही ज्यादा तादाद में होंगे उतने ही ज्यादा लाइटनिंग प्रोड्यूस होगी, उतना ही ज्यादा खतरनाक साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो इस किस्म के चार्जेस को हम क्या कहेंगे, स्टैटिक चार्जेस कहेंगे। इसको हम यहां से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जो लाइटनिंग आपको नजर आती है जिसकी वजह से एक खतरनाक आवाज भी उसके पीछे आपके उस कुछ ही टाइम बाद आपको सुनाई देती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। अच्छा, यहां पर एक और भी बात यहां पर की गई है, पॉइंट टू पाउंडर, व्हेन अ प्लास्टिक कम इज पुल्ड थ्रू ड्राई हेयर इट इज नेगेटिवली चार्ज, वॉट इज द चार्ज ऑन द हेयर, वॉट इज द काज ऑफ हेयर टू पुश अपार्ट।
अच्छा, इससे पहले वीडियो में भी मैंने पॉइंट टू पॉइंटर आपके साथ शेयर किया था, लेकिन आपने मुझे अभी तक मैसेज नहीं किया कि इसका आंसर क्या है, इसलिए मैं उनके आंसर आपको यहां पर नहीं बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको साथ ही साथ इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया पिछले वीडियो पर, इसलिए उसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जब आप रिस्पांस देंगे फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जब हम प्लास्टिक कंघी को हम अपने ड्राई हेयर में रगड़ते हैं तो इस कंघी पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है, सही है। सो व्हाट इज द चार्ज ऑन द हेयर, तो हमारे पास हेयर पर कौन सा चार्ज होगा, हेयर में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी वो नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया कहां पर, यानी हमारे पास हेयर बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जब हम इसको रब करते हैं तो नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, कंघी पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो हेयर पर हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इसका नजारा आप कर सकते हैं, जब आप इस कंघी को इस हेयर की जानब लाएंगे तो इसमें ये अट्रैक्शन पैदा होगा, बालों और कंघी यानी बाल जो है वो कंघी के साथ चिपकने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। इस पर आप एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हैं। चलते हैं अगला टॉपिक जो है, देखते हैं कि इसमें और क्या यहां पर डिस्कस हुआ। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, यहां पर हमारे पास देख लें एक एक्टिविटी यहां पर है, दो बलून दो गुब्बारे जो हैं यहां पर लटके हुए हैं, सही है। यहां पर अगर हम देख लें ये ना एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। जब हम इन दोनों बलून को क्या करेंगे, एक ऊनी कपड़े के साथ रगड़ेंगे तो दोनों पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दोनों पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, सही है। अब दूसरा तीसरे नंबर पर अगर हम इस पिक्चर को देख लें, एक को रगड़ा गया है ऊनी कपड़े के साथ और दूसरे को एक प्लास्टिक मटेरियल के साथ रगड़ा गया है, तो एक पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सही है। अब यहां पर अगर हम दोनों बलून को देख लें तो ये एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं यहां पर, यानी इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया है। तो इस एक्टिविटीज से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारे पास चार्ज की प्रॉपर्टी जो है यहां पर, यानी लाइक चार्जेस जो है वो रिपल्शन करेंगे, यानी हमारे पास अगर नेगेटिव चार्ज है, सही है, और दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। अगर हमारे पास दो चार्जेस क्या है, वो अनलाइक चार्जेस है, यानी एक हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, एक हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये हमारे पास अनलाइक चार्जेस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है चार्जेस के हवाले से, देखते हैं कि इसमें और या अच्छा यही बात जो मैंने आपके साथ डिस्कस की कि सिमिलर चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये हमारे पास इसके क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, यहां पर दोबारा एक है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एटम। इसको पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मटीरियल जो है मैटर का, हमारे पास क्या है, एटम है। द एटम कंटेंट फॉर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एटम में हमारे पास फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज and electron has the same amount of negative charge. Proton and electron are equal in number in an atom as a whole. Atom is neutral. It has no charge. यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि basically electrically हमारे पास atom क्या होता है, neutral होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास same amount of positive and negative charges होते हैं। इसको हमने पहले भी discuss किया, यहां पर दोबारा आपके साथ मैंने discuss कर दिया, हो सकता है इसमें से कोई MCQs आ जाए। अच्छा, यहां पर एक और है कि how and why, क्यों और कैसे। When two different material are rubbed together, the electron from one material are transferred to the other. सही है, यानी जब हम दो मटेरियल को, डिफरेंट मटेरियल को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं, तो इसमें से क्या होता है, एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है इस रबिंग की वजह से दूसरे मटेरियल पर। सो द मटेरियल विच लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज, यानी जो मटेरियल हमारे पास लूज करता है इलेक्ट्रॉन उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो मटेरियल जो है एंड द अदर विच हैज नाउ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिस मटेरियल पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो जाती है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, बिकम नेगेटिवली चार्ज।
तो इसको भी आप अपने साथ नोट कर लें, हो सकता है इसमें से आपको एमसीक्यूज आ जाए। चलते हैं अगले पेज की जानिब। अगले पेज में देखते हैं कि हमारे पास क्या है। यहां हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ा, अब हम डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज एन इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब चार्ज मोशन में आ जाते हैं, फ्लो में आ जाते हैं, तो यहां पर इस फेनोमेना को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। अ स्विच इज यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज। ये आपने याद रखना है कि स्विच हम यूज करते हैं जो को कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ चार्ज को, यानी आपके घरों में ऑन ऑफ स्विच लगे होते हैं। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो पंखा या आप लाइट या जो भी मटेरियल आप ऑन करना चाहते हैं वो उसकी जानिब इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है और हमारे पास वो चीज जो है वो काम करना शुरू कर देती है। जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज क्या हो जाती है, अपना काम करना स्टॉप कर देती है। तो स्विच जो है हमारे पास बेसिकली इट इज यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज, ये आपने याद रखना है। अगला जो टॉपिक हमारे पास यहां पर है वो इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट के हवाले से। तो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे पास यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे पास ये एक क्या है, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है। यहां पर आप देख लें, एक बैटरी लगी हुई है, ये हमारे पास स्विच है ऑन ऑफ, और ये एक बल्ब है। इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल सर्किट कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है? इज अ पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यानी हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो प्रोवाइड करता है फ्लो ऑफ करंट के लिए एक पाथ, एक रास्ता प्रोवाइड करता है। ये हमारे पास क्या है? सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब इसके कंपोनेंट क्या क्या है? तो जो चीजें इसमें इस्तेमाल होती है उसको हम इसके कंपोनेंट्स कहेंगे। यानी यहां पर हमारे पास बल्ब इस्तेमाल हुआ है, सही है। यहां पर हमारे पास बैटरी इस्तेमाल हुई है, सही। यहां पर हमारे पास स्विच इस्तेमाल हुआ है, यहां पर हमारे पास वायर जो इस्तेमाल हुए हैं, तो ये इस सिंपल सर्किट के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं इलेक्ट्रिकल सर्किट और कंपोनेंट्स के बारे में आप जान चुके होंगे। ओपन और क्लोज सर्किट किसे कहते हैं? यानी हमारे पास ओपन सर्किट उसको हम कहेंगे जब हम स्विच को ऑफ कर देते हैं, और जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? क्लोज सर्किट कहेंगे। सही। यहां पर सिंपली आप डायग्रामेटिकली ये हमारे पास क्या है? क्लोज सर्किट है। यानी हमारे पास जब बल्ब रोशनी देता है, यानी हमने यहां पर स्विच को क्लोज किया है, स्विच को हमने ऑन किया है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है यहां पर उसका फ्लो ऑफ करंट शुरू हो गया है, और इसकी वजह से हमारे पास ये बल्ब जो है ये रोशन है, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्लोज सर्किट कहेंगे। और अब इसमें अगर हम देख लें हमारे पास ये बल्ब रोशन नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे? ओपन सर्किट कहेंगे। यहां पर इस स्विच को देख लें, ये हमारे पास क्या है? ओपन पोजिशन में है, तो इसको हम सिंपली ओपन सर्किट कहेंगे। तो अगला यहां पर हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसको भी मैंने आपके साथ पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं। यहां पर मैं आपके साथ इसकी जो डिफिनेशन है उसको हम जरा डिस्कस करते हैं। द मटेरियल थ्रू विच करंट कैन पास आर कॉल्ड कंडक्टर। यानी ऐसे मटेरियल जिसमें हमारे पास करंट पास हो सके उसको हम क्या कहेंगे? कंडक्टर कहेंगे। ऑन द अदर हैंड द मटेरियल थ्रू विच करंट कैन नॉट पास उसको हम क्या कहेंगे? इंसुलेटर कहेंगे। यानी ऐसे मटेरियल जिसमें हमारे पास करंट पास ना हो सके उसको हम क्या कहेंगे? इंसुलेटर कहेंगे। इन दोनों डिफिनेशन को आप एमसीक्यूज के लिए भी आप याद रखे, हो सकता है एमसीक्यूज इस टाइप का भी आ जाए कि हमारे पास यानी ऐसे मटेरियल जिसमें करंट पास हो सके उसको क्या कहते हैं? उसको कंडक्टर कहते हैं। और ऐसे मटेरियल जिसमें हमारे पास करंट कैन नॉट पास ना हो सके उसको क्या कहेंगे? इंसुलेटर कहेंगे। आगे चलते हैं कि हमारे पास कौन सा अगला टॉपिक है। यहां पर हमारे पास अगर हम देख लें फ्यूज। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। यूजुअली द कंडक्टर, यहां पर देख लें एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। यूजुअली द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर ऑल्सो द कंडक्टर ऑफ हीट। हाउएवर डायमंड इज इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी बट कंडक्टर फॉर हीट, हिंस द ज्वेलर्स कैन वेरीफाई द रियल और फेक डायमंड बाय टचिंग इट विद देयर लिप्स। अच्छा, यूजुअली जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास फ्लो, जब करंट फ्लो करता है किसी मटेरियल में तो उसको हम कंडक्टर कहते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन हमारे पास
कंडक्टर में हीट भी जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे, यानी हीट ट्रांसफॉर्मेशन भी उसमें होती है। लेकिन डायमंड एक इंसुलेटर है, डायमंड हमारे पास क्या है, एक इंसुलेटर है, लेकिन इलेक्ट्रिकली डायमंड जो है इलेक्ट्रिकली हमारे पास इंसुलेटर है, लेकिन हीट के हवाले से हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। इसलिए ज्वेलर्स जो है, जो हमारे पास ज्वेलर्स जो सुनार हैं, वो डायमंड के रियल या फेक को मालूम करने के लिए उसको अपने लिप्स के साथ क्या करते हैं, टच करते हैं। इससे उनको अंदाजा होता है कि ये डायमंड रियल है कि फेक है। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो फ्यूज एंड इट्स यूजेस के बारे में है। इलेक्ट्रिसिटी इज कॉमनली यूज्ड इन आवर होम टू ऑपरेट फैन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, आयरन एंड वॉशिंग मशीन एटसेट्रा। अ फ्यूज इज यूज्ड इन अ सर्किट फॉर द सेफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी हमारे पास फ्यूज जो है ये सर्किट में इस्तेमाल होता है सेफ्टी के लिए। सही है, ये मुख्तलिफ फ्यूज यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, तो हमारे पास ये सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। आगे देखते हैं कि हमारे पास इसमें और क्या है। अच्छा, यहां पर अगर हम देख लें, फ्यूज इज अ पीस ऑफ थिन वायर दैट इज यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ये आपने याद रखना है। अच्छा, यहां पर हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट है, हमारे पास यू मस्ट हैव हेयर बर्निंग सेट ऑन फायर बाय शॉर्ट सर्किट, हाउ इट कैन बी अवॉइडेड। आपने सुना होगा कि हमारे पास शॉर्ट सर्किट की वजह से मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में आग लगी है, तो इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसको हम फ्यूज के जरिए, यानी जहां पर भी शॉर्ट सर्किट होता है तो वहां पर अगर उस बिल्डिंग में ज्यादा से ज्यादा फ्यूज इस्तेमाल हो जाए या सर्किट ब्रेकर, आजकल के दौर में सर्किट ब्रेकर यूज हो रहे हैं फ्यूज की जगह पर, तो उसको अगर हम इस्तेमाल करें तो शॉर्ट सर्किट से बचा जा सकता है। अच्छा, यहां पर एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, और फिर डू यू नो जो सर्किट ब्रेकर के बारे में जो मैंने आपको बताया उसको हम जरा डिस्कस करते हैं यहां पर। अच्छा, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास यह है, देयर इज अ लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट टू पास थ्रो एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, द फ्यूज इज इंसर्टेड अकॉर्डिंगली इफ द अमाउंट ऑफ करंट in the circuit exceed this limit due to some fault the fuse blows immediately, so the flow of current in the circuit stop and the appliances is not damage. अच्छा, तो जैसे कि हमने पहले बताया कि फ्यूज जो है वो सेफ्टी के लिए मुख्तलिफ सर्किट में इस्तेमाल होता है, और हर एक सर्किट में, हर एक अप्लायंसेस के लिए एक खास हद होती है इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए। अब फ्यूज जो है उस खास हद तक के लिए मुख्तलिफ किस्म के फ्यूज मुख्तलिफ अप्लायंसेस में इस्तेमाल होते हैं। अगर करंट का बहाव उस खास हद से ज्यादा हो जाता है तो फ्यूज जो है वो जल जाता है, वो ब्लो हो जाता है इमीडिएटली, तो आगे जो करंट फ्लो होता है उस अप्लायंसेस के लिए वो स्टॉप हो जाता है, तो वो अप्लायंसेस जो है डैमेज होने से बच जाता है। तो इसलिए फ्यूज का इस्तेमाल लाजमी है मुख्तलिफ सर्किट में। अच्छा, यहां पर एक इंफॉर्मेशन, इसको मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया, डू यू नो सर्किट ब्रेकर आर यूज दिस डे इंस्टेंट ऑफ फ्यूज, सो दे ऑल्सो वर्क लाइक फ्यूज, सो द इंस्टेंट ट्रिपिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर स्टॉप द करंट फ्लो। यानी जब हमारे पास आजकल के दौर में फ्यूज की जगह, ये हमारे पास मुख्तलिफ फ्यूज हैं, ये भी फ्यूज है हमारे पास, इसकी जगह ये हमारे पास इस्तेमाल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सर्किट ब्रेकर कहते हैं। कोई भी फॉल्ट आ जाए हमारे पास सर्किट में तो ये ब्रेकर जो है ये ट्रिप कर जाते हैं, ये ऑफ हो जाते हैं और करंट जो है उसका बहाव स्टॉप हो जाता है, इसलिए मुख्तलिफ अप्लायंसेस डैमेज होने से बच जाते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं कि हमारे पास और कौन से टॉपिक से इस चैप्टर में। यहां पर अगर हम देख लें मैग्नेट, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से जितने भी टॉपिक थे उसको हमने कवर कर दिया, अब हम मैग्नेट के हवाले से हम यहां पर देखते हैं कि मैग्नेट किसे कहते हैं। अच्छा, एक हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल है, एक हमारे पास नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है,
तो मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट दैट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल, यानी ऐसे मटेरियल जो के उसमें अट्रैक्शन हो, वो अट्रैक्ट करे मैग्नेट की जानिब, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। और ऐसे मटेरियल जो के हमारे पास, मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। यानी ऐसे मटेरियल जो के मैग्नेट की जानिब अट्रैक्ट ना करें, उसको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। अच्छा, मैग्नेटिक मटेरियल के हमारे पास एग्जांपल जो है वो स्टील पिंस, आयरन नेल्स हो गए, कॉइन्स हो गए मेड अप ऑफ निकल एंड कोबाल्ट एटसेट्रा। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो है हमारे पास रबर है, वुड है, प्लास्टिक है, कॉपर है, हमारे पास ग्लास है, या हमारे पास क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो उसको आप अपने साथ नोट कर ले, हो सकता है कि इससे आपको एमसीक्यू आ जाए। आगे चलते हैं कि हमारे पास इसमें और क्या है मैग्नेट के हवाले से। अच्छा अच्छा, यहां पर हमारे पास एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास ओवर 2000 ईयर अगो ग्रीक डिस्कवर्ड अ रॉक लोडस्टोन विच कुड अट्रैक्ट things containing iron, it is a natural magnet। यानी मेरे पास 2000 साल कबल जो ग्रीक है उन्होंने, यूनानियों ने हमारे पास एक रॉक डिस्कवर किया था जिसको लोडस्टोन कहते हैं। ये लोडस्टोन हमारे पास क्या करता था, मुख्तलिफ मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता था, इसलिए हमारे पास क्या है, नेचुरल मैग्नेट है। यहां पर कुछ मुख्तलिफ शेप्स यहां पर है, एक हमारे पास ये आपको यू शेप मैग्नेट दिखाई दे रहा है, इसको हम बार शेप मैग्नेट कहते हैं, ये रिंग शेप मैग्नेट है हमारे पास, और ये डिस्क शेप मैग्नेट है। अच्छा, अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट के हवाले से है। तो मैग्नेट है वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल प्रॉपर्टी, हमारे पास मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज है मैग्नेट के, यूजफुल भी है, इंटरेस्टिंग भी है, इसको आगे डिस्कस करते हैं। यहां पर अगर हम देख लें, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, यानी हमारे पास मैग्नेट जो है, यह हमारे पास फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, तो ये ऑलवेज हमारे पास पॉइंट करेगा क्या, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन पॉइंट करेगा। यानी हमारे पास मैग्नेट जो है इसके दो हिस्से हैं, एक को हम नॉर्थ पोल कहेंगे, दूसरे को हम साउथ पोल कहेंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी इसकी हो गई। जैसे कि हमने पिछले जो टॉपिक है चार्ज के हवाले से हमने पढ़ा था कि हमारे पास लाइक चार्जेस क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, और अनलाइक चार्जेस क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। इस तरीके से हमारे पास लाइक पोल जो है, नॉर्थ नॉर्थ पोल, साउथ साउथ पोल, ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा, और इस तरीके से नॉर्थ एंड साउथ पोल या साउथ एंड नॉर्थ पोल जो कि अनलाइक पोल्स हैं, वो एक दूसरे के क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये भी हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज आएगा मैग्नेट के हवाले से। आगे चलते हैं कि इसमें हमारे पास और क्या यहां पर डिस्कस हुआ है। अच्छा, जैसे कि हमने पोल के हवाले से मैंने आपको बताया, द एंड ऑफ अ मैग्नेट्स आर कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक पोल्स, यानी हमारे पास जो एंड है पोल का, उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक पोल कहेंगे। अच्छा, रेड कलर इज कोटेड टू शो नॉर्थ पोल, यानी जो हमारे पास एक बार मैग्नेट है उसमें हमारे पास रेड कलर जो होगा, रेड कलर का शेप वाला, उसको हम नॉर्थ पोल कहेंगे, और जो उस पर एक कैपिटल एन भी लिखा हुआ होगा। और जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर का जो साइड है हमारे पास मैग्नेट का, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, साउथ पोल कहलाएगा, उस पर कैपिटल एस लिखा हुआ होगा। अच्छा, पॉइंट टू पॉइंटर है हमारे पास, कैन यू मेक टू मैग्नेट्स हैविंग वन पोल ईच बाय ब्रेकिंग अ बार मैग्नेट, हम जब भी एक मैग्नेट को उसके हिस्सों में तकसीम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसके जो साइड्स हैं, एक नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक साउथ पोल बन जाएगा। सो कैन यू मेक टू मैग्नेट्स हैविंग वन पोल ईच बाय ब्रेकिंग अब बार मैग्नेट, नहीं, हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम एक मैग्नेट को उसके हिस्सों में तकसीम करें और उस पर एक ही पोल आ जाए, नहीं, ये नहीं हो सकते, उस पर दो पोल आएंगे। जितने भी आप उसको तकसीम करते जाएंगे, हर एक हिस्से पर दो पोल आते जाएंगे, सही है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। अच्छा, अगला जो है हमारे पास, डू यू नो द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द मैग्नेट इज द स्ट्रांगेस्ट एट द मैग्नेटिक पोल्स। अच्छा, ये तो सही है, हमारे पास मैग्नेटिक पोल्स जो है उस पर हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो स्ट्रांगेस्ट होगा। उससे जैसे ही हम डिस्टेंस पर चले जाते जाएंगे तो हमारे पास ये फोर्स क्या होता,
जाएगा, वीक होता जाएगा। आगे चलते हैं कि इसमें और कौन से टॉपिक हैं यहां पर। अच्छा, टू लाइक मैग्नेट पोल्स रिपल ईच अदर वायर अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, इसको हमने पहले ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आगे चलते हैं कि इसमें हमारे पास और क्या है हमारे पास। अच्छा, अर्थ अ ह्यूज मैग्नेट, अर्थ जो है हमारे पास बिहेव लाइक्स अ ह्यूज बार मैग्नेट, ये आपने याद रखना है कि अर्थ हमारे पास क्या है, बिहेव लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट, द अर्थ बिहेव लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट, ये आपने याद रखना है। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे हमारे पास जो है वो है टाइप ऑफ मैग्नेट्स के हवाले से। तो हमारे पास मैग्नेट्स के थ्री टाइप्स हैं, एक टेम्पररी मैग्नेट है याद रखना है आपने, एक हमारे पास क्या है टेम्पररी मैग्नेट है, दूसरा हमारे पास है परमानेंट मैग्नेट है, तीसरा हमारे पास इलेक्ट्रो मैग्नेट है। अब टेम्पररी मैग्नेट किसे कहते हैं और परमानेंट मैग्नेट किसे कहते हैं, इसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। मैग्नेट मेड बाय आयरन और टेम्पररी मैग्नेट, यानी हमारे पास ऐसे मैग्नेट जो कि आयरन से बना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, टेम्पररी मैग्नेट कहेंगे। वेल द मैग्नेट मेड बाय स्टील और परमानेंट मैग्नेट, और ऐसा मैग्नेट जो कि स्टील से बना हो उसको हम क्या कहेंगे, परमानेंट मैग्नेट कहेंगे। तीसरा जो इसका टाइप है हमारे पास वो है इलेक्ट्रो मैग्नेट, इसको हम डिस्कस करते हैं यहां पर कि हमारे पास इलेक्ट्रो मैग्नेट किसे कहते हैं। अच्छा, व्हेन एन आयरन नेल और अ रॉड इज प्लेस्ड इन अ करंट कैरिंग कॉइल इट बिकम अ मैग्नेट, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रो मैग्नेट। जब हम आयरन नेल को आयरन कील को हम लोहे के कील को हम या एक राड जो कि लोहे का है उसको हम एक क्वाइल के दरमियान रखते हैं और उस क्वाइल में क्या हो करंट का बहाव इलेक्ट्रिसिटी उसमें जारी हो, तो ये आयरन नेल जो है या ये जो राड है ये इस पर ये क्या हो जाएगा, ये मैग्नेट इससे बन जाएगा, सही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रो मैग्नेट कहेंगे। अच्छा, पॉइंट टू पॉन्डर जो है हमारे पास, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इफ बैटरी टर्मिनल्स आर रिवर्स, डू द पोल्स आल्सो चेंज। तो इसका तो आंसर है हमारे पास यस, इफ हमारे पास जब हम बैटरी ऑफ टर्मिनल्स को चेंज करेंगे तो इसके पोल्स भी हमारे पास चेंज हो जाएंगे, क्योंकि करंट हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो हमारे पास जो वहां पर मैग्नेट बनेगा उस राड पर या वो जो जो भी उसके अंदर जो मटेरियल रखा गया है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हुआ है, तो उस पर उस रिवर्स करंट की वजह से हमारे पास उसके पोल्स भी तब्दील हो जाएंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इसको हम कंपास नीडल की वजह से क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो है द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंट्रोल्ड बाय बल्ब नहीं, कॉपर वायर नहीं, रबर नहीं, द फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंट्रोल्ड बाय अ स्विच, ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है स्विच। क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, करंट कैन इजिली पास थ्रो, तो करंट हमारे पास ग्लास स्ट्रिप में नहीं पास होती, सही है, प्लास्टिक कप में भी नहीं पास होती, वुडन स्पून में भी नहीं पास होती, स्टील पेपर क्लिप में पास होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है, क्योंकि स्टील पेपर क्लिप हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, ग्लास स्ट्रिप हमारे पास इंसुलेटर है, प्लास्टिक कप भी इंसुलेटर है एंड वुडन स्पून भी हमारे पास क्या है, इंसुलेटर है, तो सिर्फ ऑनली हमारे पास कंडक्टर जो है वो स्टील पेपर क्लिप है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास, हाउ मेनी पोल्स आर देयर इन अ रिंग शेप मैग्नेट, जैसे कि मैंने आपको मुख्तलिफ शेप्स दिखाए थे, उसमें यू शेप था, बार शेप था, रिंग शेप मैग्नेट था और डिस्क शेप मैग्नेट था, इन सब के सब हमारे पास दो पोल होंगे, सही है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, जो भी शेप है हमारे पास मैग्नेट का उसके दो ही पोल होंगे, आपने याद रखने हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है दो। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर है, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज स्टेज अलॉन्ग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, नहीं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये हमारे पास ठीक है, एनी डायरेक्शन एंड कीप ऑसिलेटिंग, ये दोनों गलत हैं, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। आखिरी क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का हमारे पास वो है, विच वन इज ट्रू स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है,
ए नंबर नॉर्थ पोल अट्रैक्ट नॉर्थ पोल, नहीं नॉर्थ पोल रिपल करेगा नॉर्थ पोल, क्योंकि ये हमारे पास लाइक पोल्स हैं, मैंने आपको पहले बताया है। ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ पोल रिपल नॉर्थ पोल, ये ऑप्शन हमारे पास ठीक है। नॉर्थ पोल क्या करेगा, रिपल करेगा नॉर्थ पोल को, ये दो ऑप्शन भी हम देखते हैं। साउथ पोल रिपल नॉर्थ पोल, नहीं ये अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल अट्रैक्ट नॉर्थ पोल, तो ये भी गलत हुआ। और डी ऑप्शन साउथ पोल अट्रैक्ट साउथ पोल, नहीं ये रिपल करेगा, सही है क्योंकि ये लाइक पोल्स हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक हुआ, नॉर्थ पोल रिपल नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ एंड नॉर्थ हमारे पास सेम पोल है, लाइक पोल है, तो इसमें हमारे पास रिपल्शन आएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आने वाले टेस्ट जो है पीएसटी या सीटी का जो टेस्ट है उसमें आपके लिए मददगार साबित होगी। दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी तक आपने यूनिवर्सल टेस्ट मास्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, अपना फीडबैक देने के लिए मुझे लाजमी कमेंट्स किया करें। शुक्रिया।